इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। सपोज मेरे मैथ्स में मार्क्स 40 हैं हाफ ईयरली में मेरे मैथ्स में मार्क्स 40 हैं और ये मार्क्स मेरे एनुअल्स में 50 हो जाएं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 40 से जब ये 50 हो गए तो ये बढ़ गए, या हम इसको बोल सकते हैं इंक्रीज हो गए। तो ये तो हमें पता चला कि कितना इंक्रीज हो गया, और कितना इंक्रीज होने के लिए हम कैसे निकालेंगे, पहले मेरे मार्क्स 40 थे अब मेरे मार्क्स 50 हो गए, तो कितने बढ़े वो कैसे पता चलेगा, जब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे ये आ गया 10, 50 माइनस 40 आ गया 10, तो ये जो अमाउंट है कितने मार्क्स चेंज हुए हैं, ये क्या है, चेंज इन मार्क्स कह सकते हैं, या फिर मैं क्या भी कह सकती हूँ, अमाउंट चेंज, कितना चेंज हुआ है। और ये जो स्टार्टिंग में जो होता है, ये होता है हमारा इनिशियल इनिशियल मार्क्स, क्या मैं कह सकती हूँ, मार्क्स की जगह पॉपुलेशन भी हो सकती है, मार्क्स की जगह रुपीज भी हो सकता है, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जो भी क्वांटिटी दी होगी या तो हम उसी का नाम लिख देंगे या फिर हम लिख देंगे इनिशियल अमाउंट, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल, फाइनल मीन्स जो बाद में होता है, फाइनल मार्क्स, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, फाइनल अमाउंट। अब आती है बात परसेंटेज चेंज निकालने की, तो जब भी हम चेंज इन परसेंटेज निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला होगा, तो पहले हम फॉर्मूले को लिखकर देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज हो गया अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। हम इसके 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसको परसेंट में निकाल रहे हैं। ये जो वर्ड चेंज है, चेंज मतलब वो घट भी सकता है और वो बढ़ भी सकता है, क्या ये इंक्रीज भी हो सकता है चेंज में और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा है तो हम ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज, और अगर क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज, लेकिन अगर हमें हम ये स्पेसिफाई नहीं करना चाहते तो हम इन जनरल इसको ये भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज कितना है। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, जितना चेंज आया अमाउंट में, जितना वो घटा या बढ़ा उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो ओरिजिनल अमाउंट था, ओरिजिनल अमाउंट मीन्स जो इनिशियली था, जो स्टार्टिंग में था, वो हम नीचे लिखते हैं, और इंटू 100 हम फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे मैथ्स में मार्क्स पहले 40 थे और वो फिर बढ़ के कितने हो गए, 50 हो गए, तो अमाउंट चेंज कितना निकला, अमाउंट चेंज कितना हो गया, 50 माइनस 40, और 50 माइनस 40 आ गया 10। अब बात आती है ओरिजिनल अमाउंट की, ओरिजिनल अमाउंट मींस जो स्टार्टिंग में था वो क्या हो गया, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, हमारा ओरिजिनल अमाउंट आ गया कितना आ गया 40। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो अमाउंट चेंज कितना हुआ हमारा 10, ओरिजिनल अमाउंट हमारा कितना है 40, मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से, ये 0 से 0 कट हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये 5 5 जा 25, तो हमारा कितना परसेंट चेंज हो गया, जो तुम्हारे मार्क्स में चेंज है वो नंबर में तो 10 रुपीज है, लेकिन ये 10 रुपीज अगर हम इसे परसेंट में एक्सप्रेस करें कि कितना परसेंट चेंज आया, जो तुम्हारे मार्क्स बढ़े हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, ये क्या है 25, और ये क्या हुए थे हमारे मार्क्स बढ़े थे, तो ये क्या है हमारी इंक्रीज इंक्रीज परसेंट है, या हम क्या कह सकते हैं परसेंट चेंज है, हम इसको यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं 40 से 50 हुए हैं तो मार्क्स क्या हुए इंक्रीज हुए। अब एक एग्जाम्पल हम डिक्रीज का लेके देख लेते हैं,
सपोज पहले मेरे मार्क्स 50 थे और अब मेरे मार्क्स 40 हो गए, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गए मार्क्स, क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। कितने डिक्रीज हो गए, अमाउंट चेंज या अमाउंट डिक्रीज, हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे। कितने मार्क्स घट गए, पहले 50 थे अब 40 थे, तो भी कैसे पता चलेगा, माइनस करके पता चलेगा, 10 हो गया। ओरिजिनल अमाउंट कितना था लास्ट वाले में, पहले मार्क्स 40 थे बाद में 50 थे, तो ओरिजिनल 40 था। जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है या इनिशियल वैल्यू होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। अब क्या है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, यहाँ पे 50 है, ओरिजिनल अमाउंट कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या निकाल, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, अमाउंट चेंज कितना है 10, ओरिजिनल अमाउंट कितना है हमारा 50, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, जीरो से जीरो कट हो गई, 5 1 5, 5 2 10, तो 10 2 कितना हो गया 20, तो कितना परसेंट चेंज आ गया, 20% चेंज आ गया। तो जो मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, जो डिक्रीज परसेंट आया है वो हमारा कितना हो गया, ये 20% क्या हो गया, डिक्रीज परसेंट हो गया, या फिर हम क्या कह सकते हैं, परसेंट चेंज हो गया, ये दोनों एक ही बात है। तो ये हमारा टॉपिक था इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, जिसमें हमारा मेन फॉर्मूला है अमाउंट चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। ये जो अमाउंट चेंज हो रहा है ये इंक्रीज भी हो सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज अमाउंट होगा ऊपर, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज अमाउंट की वैल्यू लिखी जाएगी, और जो इनिशियल वैल्यू होती है वो हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।